महाराष्ट्र में इस वक्त चौतरफा पुणे हिट एंड रन मामले की चर्चा हो रही है, जहां पर एक रईस बाप की औलाद ने महज अपने शौक पूरे करने के लिए शराब के नशे में धुत होकर इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई कि उसके पहियों ने दो मासूमों को रौंद दिए। पुणे में एक नाबालिग रईस ज्यादा यार दोस्तों संग पार्टी करता है, शराब के नशे में पिता की 2 करोड़ की पोर्श कार से निकलता है और एक बाइक को टक्कर मार देता है। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 युवा इंजीनियर की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन क्योंकि आरोपी नाबालिग है इसीलिए महज उसे 15 घंटे के अंदर ही जमानत मिल जाती है। जमानत की शर्त भी ऐसी कि नया मोटर व्हीकल एक्ट सवालों के घेरे में आ गया है। इतना ही नहीं, आरोप लग रहे हैं कि पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लिए जाने के बाद VIP ट्रीटमेंट दिया गया, उसे खाने के लिए पिज्जा बर्गर मुहैया कराया गया। सोशल मीडिया पर इसे लेकर ट्रोलिंग तक शुरू हो गई है और लोग नाबालिग की जमानत और रिहाई को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। इस हादसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 युवा इंजीनियर अनीश और अश्विनी की मौत हो गई। ये कार पुणे के एक अमीर बिल्डर का 17 साल 8 महीने का नाबालिग बेटा चला रहा था। हादसे के बाद उसने कार भगाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि महज 15 घंटे के भीतर ही अपने पैसों की धौंस से आरोपी लड़के को जमानत मिल गई। जुवेनाइन जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को सड़क हादसे पर निबंध लिखने और यरवाड़ा पुलिस के साथ 15 दिन काम करने की सजा सुनाई है। क्या सजा है ना, अगर ऐसी ही सजा हो तो अपराध करने से भला कौन डरेगा। महज आपको निबंध लिखना है और 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना है। अब सवाल उठता है कि पुणे में नशे में धुत बेलगाम रफ्तार से 2 युवाओं की जान लेने वाला सिर्फ निबंध लिखकर बच जाएगा और पीड़ित परिवार जीवन भर के लिए दर्द सहेगा। आखिर ये कैसा कानून है, आखिर ये कैसा न्याय है। उधर मामले ने तुल पकड़ा, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में तमाम सवाल उठने लगे हैं। तो महाराष्ट्र की पुणे पुलिस एक्शन में आई और नाबालिग आरोपी के बिल्डर पिता को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट से नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह केस चलाने की अनुमति मांगी है, क्योंकि वो बच्चा जब दारू पी सकता है तो वो नाबालिग कैसे हुआ। वो बच्चा पब में बैठता है, एक दिन का 48,000 रुपए बिल बनाता है, तो आखिर उसकी सजा में कटौती क्यों, महज एक निबंध लिखना। इसके साथ ही उस रेस्टोरेंट का CCTV फुटेज भी सामने आया है जहां आरोपी ने एक्सीडेंट करने से पहले अपने दोस्तों संग पार्टी की और शराब का सेवन किया। यहीं से वो निकला और 150 से अधिक की रफ्तार पर पिता की करोड़ों की पोर्शे कार चलाते हुए 2 युवाओं की जान ले ली। हादसे के बाद से पीड़ितों के परिवार मातम में है और गुस्से में भी है कि आखिर 2 लोगों की जान लेने वाले रईस जादे को जमानत कैसे मिल गई। क्या हमारा संविधान यही कहता है। शोकाकुल परिवार पूछ रहा है कि आरोपी नाबालिग है तो क्या हुआ, क्या हमारा संविधान यही कहता है। रविवार के दिन कौन सा कोर्ट खुलता है और प्रशासन क्या कर रहा है। हादसे के बाद पुणे के एक पब की CCTV फुटेज सामने आई है जहां हादसे से पहले आरोपी दारू पार्टी करता है नजर आ रहा है। सवाल उठता है कि क्या पुलिस ने केस बनाने में ढिलाई बरती या लचर कानून की वजह से आरोपी आसानी से बच निकला। हादसे में जान गंवाने वाले 2 लोगों के परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को ये सवाल परेशान कर रहा है। इसके साथ ये भी सवाल उठता है कि शुरुआती जांच में पुलिस ने कहा था कि आरोपी ने शराब पी ही नहीं, यानी न्याय के सामने शायद पैसा जीत गया। अगर आरोपी ने शराब पी नहीं तो वो CCTV फुटेज किस चीज की है। अगर आरोपी ने शराब पी नहीं तो 48,000 का बिल कैसे बना। ताजा अपडेट इस मामले में यह है कि उस पब को सील कर दिया गया है, लेकिन अब आरोपी का एक रेस्टोरेंट में बैठकर शराब पीते हुए CCTV फुटेज सामने आया, जिसके बाद पुणे पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल उठाया है। साथ ही अजीत पवार गुट के एक विधायक पर मदद करने का आरोप भी लगा है, यानी इसमें अब पॉलिटिकल एंगल भी सामने आने लगा है। साथ ही उन्होंने पुलिस कमिश्नर तक को सस्पेंड करने की मांग कर डाली है। संजय राउत ने कमिश्नर पर आरोपियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगा है और कहा है कि युवा कपल की हत्या कर दी गई और आरोपी को 2 घंटे के भीतर जमानत दे दी गई। आप उसे पिज्जा बर्गर परोस रहे हैं किस लिए। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो नशे में था, लेकिन उसकी मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव थी। अब वीडियो सामने आया है कि लड़का शराब पी रहा था, हकीकत से सब वाकिफ थे।
आरोपियों की मदद आखिर कौन कर रहा है, ये पुलिस कमिश्नर कौन है, इन्हें हटा दिया जाना चाहिए वरना पुणे में लोग सड़कों पर आ जाएंगे, संजय राउत ने यह बयान दिया है। सोशल मीडिया पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारत में अमीरों के लिए कोई रूल नहीं है। कोई कह रहा है कि आप भारत में शराब पीकर गाड़ी चला सकते हैं, ये सब आधिकारिक है, लेकिन आप किसी रईस जादे के औलाद होनी चाहिए। बस एक शर्त है कि आपके पिता बहुत अमीर हो। लोग पूछ रहे हैं कि क्या गाड़ी चलाते हुए किसी की हत्या कर देने पर निबंध लिखने जैसी सजा काफी है क्या? जरा आप ही सोचिए कि अगर कोई किसी की हत्या कर मौके पर से फरार होने की कोशिश करता है तो महज उस आरोपी को निबंध लिखकर छोड़ देना चाहिए? लोग जुबिलाइन बोर्ड के आदेश की भी ट्रोलिंग कर रहे हैं। एक्स पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या निबंध लिखना आने पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है? सोशल मीडिया पर आरोपी द्वारा चलाई जा रही लग्जरी कार का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की भी मांग उठ रही है। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा है कि अब तक की जांच में सामने नहीं आया है कि जेल में आरोपी को पिज्जा खिलाया। इन आरोपों में कोई तथ्य सामने नहीं आया है। पुलिस की भूमिका पहले दिन से ही सख्त है, ऐसा पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सफाई दी है। हालांकि पीड़ितों के परिवार का आरोप है कि पुलिस द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर इन आरोपों से भी अपने आप को पूरी तरीके से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने लीगल एक्शन लिया है, पुणे पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आरोपी के पिता को आज औरंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने कोई ढीली कार्रवाई नहीं की है। अगर किसी पुलिस अधिकारी ने आरोपी की कोई मदद की है तो जांच के बाद सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासन भी दिया गया है। यहाँ एक बात गौर करने वाली और है कि 2019 में मोदी सरकार ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी और इसमें यह बताया गया है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना का प्रावधान किया गया है। साथ ही नाबालिग के वाहन चलाने पर भी सख्ती की गई थी। इस नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक नाबालिग से वाहन चलवाने पर पेरेंट्स की गाड़ी का ना केवल रजिस्ट्रेशन रद्द होगा बल्कि दोषी साबित होने पर ₹25,000 का जुर्माना और 3 साल की कैद की सजा भी पेरेंट्स के लिए लागू की गई थी। साथ ही आरोपी नाबालिग ने पुलिस के सामने ये कहा है कि उसने अपने पिता के परमिशन से गाड़ी चलाई थी। अब आप ही बताइए ऐसे में हमारा कानून कहां चूक गया और कैसे न्याय किया जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।